अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम द सीरीज़ ऑफ अलशेख गोट फार्म। ये वीडियो में आपको मक्की चीना की जो गैंग है, जो हर सीरीज़ में आप देखते हैं अलशेख गोट फार्म की, वो देख रहे हैं। माशाल्लाह इतना बड़ा कलेक्शन मक्की चीना का, जो सिग्नेचर ब्रीड है जो रखते हैं माशाल्लाह, वो आज आपको दिखाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई। आसिफ भाई और फैसल भाई, बहुत ही शानदार, हर साल मक्की चीना में अपग्रेडेशन आते ही आ रहा है भाई। इंशाल्लाह आता है और इंशाल्लाह आते रहेंगे। और काफ़ी कलर के साथ साथ जो एक यू नो बढ़ने वाले बकरे हैं वेट गेनिंग में या शाइनिंग में, वो देखने मिल रहा है हमको। काफ़ी चूज कर करके लाने पड़ते होंगे भाई ये बकरे। इसमें से आसिफ भाई कुछ अपने बेचे हुए बच्चे हैं जी, और कुछ कस्टमर्स के आए हुए। सही। तो ये समझो ये हमारा एक सिग्नेचर है, अलशेख गोट फार्म मक्की चीना से भी जाना जाता है। पहले तो ज़्यादा खस्सी देखता था, इस बार अंडुल भी कलेक्शन हो गया। अंडुल में भी जी, इसमें से एक अंडुल हमारा है, दो अंडुल हमारे हैं मक्का चीना जी, दो कस्टमर्स के। तो इसमें कुछ सेलिंग के भी हैं क्या भाई बकरे? इंशाल्लाह जी आसिम भाई, सेलिंग का हम लोग अभी एक ऑफिस बनाएंगे मार्च वगैरह जब चालू करें जी। अभी बकरे तैयारी पे जी, और वीडियो का इसलिए मतलब लोगों को शौक कराना। सही है। इतनी क्वांटिटी में लोग मक्का चीना जो है ना, वो अपने लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वीडियो देखने के लिए, और आप खुद ही अपने ये वीडियो बना रहे हो काफी टाइम से, तो एक लोगों को शौक कराने के हिसाब से मक्का चीना का कलेक्शन अपने फार्म पे मौजूद है, वो दिखा रहे हैं। तो एक वॉक करते ये अंडुल बकरे में मक्की चीना देखने मिल रहा है, कोटा नस्ल में, कोटा। वाह क्या चीज़ है भाई, क्या नाम है बकरे का? ये इसका नाम अभी तक हम लोग ने डिसाइड नहीं किया, एक बकरा जो इसको डिसाइड किया पठान। हाँ पठान, वो खड़ा है। वाह ये भी बहुत शानदार है सब, क्या बात है। ये वाला भी देखा, सब एग्रेसिव बकरे। सो ये एक अंडुल बकरा देखे हैं आप लोग, अंडुल बकरे सब एक जैसे माशाल्लाह, एक खस्सी कलेक्शन। आसिफ भाई एक हाथ पकड़ के दिखाए ना खस्सी भी, ये वाला अगर हो सके तो बड़ा वाला। वाह खूबसूरती के साथ साथ बनावट भी आ गई आसिफ भाई, छोटा ही आया होगा ना एकदम ये? ये बच्चा मैंने लिया हुआ था छोटा भाई। इसका आप इंशाल्लाह एक बकरे अपने सेल किए बकरे उसकी एक वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये बकरा माशाल्लाह अभी 90 किलो पे खड़ा हुआ है, 90 केजी पे जी। और चमक देखिए बकरों में, सारे बकरों में माशाल्लाह। ये अंडुल बकरा जो आप बोल रहे थे पठान, इसका भी इंशाल्लाह अपन बाद में अच्छी वीडियो बनाएंगे। बच्चा आया था आसिम जी, ये अपने वहां बहुत छोटा बच्चा था। आज देखो आप इसके सिक्के, चेहरा देखो माशाल्लाह बहुत शानदार, बहुत उम्दा कलेक्शन है मक्की चीना का, जैसे कि हमेशा ही देखने मिलता है। ये एक और अंडुल है इधर पे, अंडुल सब सिमिलर है भाई, चारों अंडुल कहीं ना कहीं एक जैसे दिख रहे मेरे को। और ये मक्का चीना सिग्नेचर क्यों हुआ ना आसिफ भाई अपने फार्म का जी, टू बी वेरी फ्रैंक आसिफ भाई और मेरी दोनों की जो फर्स्ट पसंद है वो गुजरी है और मक्का चीना है। क्या बात इसी है, इसी वजह से वो हम लोग के हमेशा आपको यहाँ पे मक्का चीना कलेक्शन ज्यादा मिलता रहेगा। मक्का चीना तो ऐसा है ना आसिम भाई, जयपुर से अब यकीन मानो मक्का चीना अगर किसी के पास आता है ना, पहले आपको फोन आता है, पहले मेरे पास वीडियो आता है कि आसिम भाई मक्का चीना आया है क्या, मक्का चीना है चाहिए क्या, तो मतलब मक्का चीना से पब्लिक अपने लोगों को पहचान। कितनी बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, सेल करने के लिए लोग पहला मैसेज डालते हैं मेरे को। क्या बात है, तो मतलब किसी को चाहिए तो भी और बकरे आएंगे ऐसे? हाँ बिल्कुल आएंगे, आएंगे इंशाल्लाह मक्की चीना में आएंगे। वाह ऐसे कलर को आपने एक ब्रांड ही बना दिया भाई, पहले ये कलर में एक दो बच्चे ही दिखते थे, आज पूरा पूरा। आपको याद हो अपने पास जो सबसे बड़ा मक्का चीना था जी, वो 127 किलो पे तैयार हुआ। सही है, मतलब एक पूरा बाड़ा ही मक्के चीना का होगा इंशाल्लाह। सही है, तो इसमें अंडुल है खस्सी है ज्यादा बकरे, जान दो बकरों को, अंडुल को डाल दे खस्सियों को। ये कितने दांत पे होगा भाई अभी? ये अभी होगा चार दांत पे होगा, चार दांत पे होगा। आप क्या प्रिफर करते हैं, लाइट स्पॉट्स के डार्क वाले स्पॉट? आप मैं तो डार्क स्पॉट जो जैसे कि ये है बकरे, ये बकरा है, ये बकरा, वो बकरा है। हाँ मतलब जो प्रॉपर मक्के चीना दिखे, क्या बात है। ये जो ऐसे थोड़े जो गोल्डन जैसा बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो स्मॉल डॉट्स डॉट्स होते हैं। सही है, बहुत उम्दा पैर का बकरा माशाल्लाह, क्या बात।
ये वीडियो बताने का मकसद था कि आपका शौक कराया जाए मक्के चीना का। इसमें से बकरे सेल के लिए नहीं है अभी, ठीक है, सेल के लिए मार्च के बाद रहेगा, सब तैयारी पे अभी। मैक्सिमम जो है कस्टमर्स के पास, क्या बात। और इसमें से कुछ बकरे अपने पास से बिके आसिफ भाई जी, और अपने पास ही पलाई पे आ गए जी। हाँ, बहुत उम्र जबरदस्त कलेक्शन, तीनों मक्का चीना देख रहे ना, एक दो तीन जी अपने पास के बच्चे जो आपने बेचे थे अभी पलाई पे आ गए, और ये सब बहुत छोटे आए थे अपने पास जी। क्या बात, बहुत जी। इसका भी मकसद थोड़ा ऐसा है ना आसिफ भाई, ये थोड़ा लोगों का शौक भी शौक हो जाए ना। मक्का चीना कलेक्शन है, अभी इसके बाद गोल्डन कलेक्शन भी दिखाएंगे, थोड़ा लोगों का शौक। गोल्डन 24 कैरेट गोल्ड सही है, कुछ यूनिक लोगों को देखने मिलेगा कलेक्शन। इसका मकसद ये था, वो कलर। और आप लोगों ने काफी मेहनत की है, लोग तो 5 मिनट का वीडियो देख के ताली बजा देंगे, लेकिन इसके पीछे मेहनत हुई है पिछले 1 साल की, जब जाके ऐसा कलेक्शन रेडी होता है। मेरे दोस्तों, ये बकरों को लाना ही एकमात्र मकसद नहीं है, इनको महीना है ना जी भाई, ये बहुत चैलेंजिंग रहता है, बहुत चैलेंजिंग सेट करना। दूसरी बात आसिम भाई, ये भी है कि ये कलर की वजह से मार्केट में जो रेट इनका हाई है। अच्छा, ये परचेसिंग में हम लोग को मतलब वही रेट में हाई परचेसिंग से ही करना पड़ता है, मतलब नॉर्मल गुजरी से महंगे हैं। महंगे बोले तो काफी महंगे है, वो डिपेंड होता है कि बकरा हाइट क्या है, लेंथ क्या है। भाई कलर के अलावा बाकी नस्ल तो गुजरी ही होती है ना, ये तो मतलब बनावट तो गुजरी जैसी होगी। ये बहुत प्लेफुल बच्चा आपका, ये हमारे एक बहुत अच्छे कस्टमर है माशाल्लाह, अशरफ भाई माशाल्लाह, कुर्बानी के हिसाब से रखे हैं अल्लाह का शुक्र। पीछे खड़ा है जो, ये अपने पास से लिया हुआ था ना, बहुत उम्दा। ये कलर पे से नज़र नहीं हटती है, वीडियो बनाते रहो लगता है माशाल्लाह। सो दोस्तों, हम लोग अभी जाएंगे सेकंड वीडियो की तरफ इंशाल्लाह। 24 कैरेट गोल्ड, आई थिंक मक्की चीना तो आपने ही बहुत बार दिखाया है लोगों को, ये कौन से पहली बार कर रहे हैं कोई, ये फर्स्ट टाइम है जी। जो 24 कैरेट गोल्ड का है इंशाल्लाह, वो भी मतलब सिर्फ 24 कैरेट बोलने के लिए नहीं है इंशाल्लाह, जब वो तो लोग देखेंगे जज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आप देखो जज करो इंशाल्लाह। और जो बकरे के शौकीन है ना आसिफ भाई, उनको बकरे देखना है जी, तो अपन जितना हो सकता है बेस्ट से बेस्ट कलेक्शन दिखाएंगे, उनको एंटरटेन करेंगे सही, ताकि उनका शौक बढ़े और पालने का जज्बा बढ़े इंशाल्लाह। सो आइए वीडियो की नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं अभी, 24 कैरेट गोल्ड वीडियो ख़त्म करेंगे। आप लोग भी दुआओं की दरख्वास्त रखें इंशाल्लाह, और ये बकरों के लिए भी, इनकी हेल्थ के लिए दुआ करें आप लोग। अस्सलामु अलैकुम जान।